दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hey guys, welcome back to channel. This is the YouTube boy with you. बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया पांचवा T20 मुकाबला आज यानी कि 9 अगस्त को शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा शेरे बंगला नेशनल स्टेडियम मीरपुर में ढाका में ये मुकाबला खेला जाने वाला है। तो हमेशा की तरह हम इस वीडियो में करने वाले हैं इस मैच का प्रेडिक्शन एंड प्रीव्यू, यानी आपको बताएंगे कौन सी टीम ये मुकाबला जीत सकती है, क्या होने वाली है दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट, पास स्टेट के साथ साथ और भी बहुत सारी बातें हम इस मैच से रिलेटेड करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है नई वीडियोस बनाने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि दिन में 10 मैचेज होते हैं और सभी की वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो ब्रीफ डिटेल होती है सभी मैचों की वो मैं टेलीग्राम पर देता हूँ। जो भी मुझे लगता है कि इस मैच में कुछ अच्छा हो सकता है तो उसका इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन जरूर करना। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राउंड की, तो यहाँ पर अब तक 48 मुकाबले खेले जा चुके हैं, 24 बार जो है बैटिंग फर्स्ट और 24 बार बैटिंग सेकंड टीम जीती है, यानी कि 50-50 का मामला अब तक रहा है। एवरेज स्कोर यहाँ का 150 के आसपास का है और वहीं हाई स्कोर 211 है, लोएस्ट जो है वो 72 रनों का है, अफगानिस्तान ने बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कोरिंग पैटर्न बिलो 150 26 बार बन चुका है, 150 टू 170 8 बार बन चुका है, 170 टू 190 5 और 190 प्लस 9 बार बन चुका है। ये तो है यहाँ का स्कोरिंग पैटर्न। आप देख सकते हैं कि 150 से नीचे का स्कोर यहाँ पर ज़्यादातर बनता है और पिछले कुछ मुकाबलों में यही हुआ है। आप देख सकते हैं कि आखिरी कुछ मुकाबले जैसे कि 7 अगस्त को जो मुकाबला खेला गया था उसमें 104 रन बांग्लादेश ने बनाए थे, 105 ऑस्ट्रेलिया बनाकर जीत गई। उससे पहले जो मुकाबला खेला गया था बांग्लादेश ने 127 बनाए थे, ऑस्ट्रेलिया 117 पर सिमट गई थी। उससे पहले 4 अगस्त को एक और मुकाबला खेला गया था उसमें ऑस्ट्रेलिया ने 121 बनाए थे, बांग्लादेश जीत गई थी। 3 अगस्त 2021 को फिर ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच मैच खेला गया था, बांग्लादेश 131 बनाई थी, ऑस्ट्रेलिया 108 ही बना पाई थी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी मैच अभी हाल फिलहाल में हुए हैं पिछले 5 मैच वो 150 से नीचे के हुए हैं, लगातार 5 मैच 150 से नीचे के हुए हैं। उससे पहले एक मुकाबला खेला गया था बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच, उसमें 200 प्लस स्कोर बना था। तो ये देख सकते हैं विकेट कंपैरिजन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो अभी सीरीज खेली जा रही है उसमें फर्स्ट इनिंग में जो आखिरी मुकाबला खेला गया था 7 अगस्त 2021 को, उसमें फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट पेसर्स को और 4 विकेट जो है स्पिनर्स को मिले थे, वहीं दूसरी पारी में 3 विकेट पेसर्स को और 3 विकेट स्पिनर को मिले थे, यानी कि 8 विकेट पेसर को और 7 विकेट स्पिनर को मिले थे। मामला लगभग 50-50 का रहा था। 6 अगस्त को जो मुकाबला खेला गया था पहली पारी में 5 विकेट पेसर्स को, 2 विकेट स्पिनर को, 3 विकेट पेसर्स को और दूसरी पारी में 1 विकेट स्पिनर को मिले थे, यानी कि 8 विकेट पेसर्स को और 3 विकेट स्पिनर्स को मिले थे, यानी कि 6 अगस्त को जो मुकाबला खेला गया था वहां पर पेसर्स ज़्यादा हावी रहे थे। 4 अगस्त को जो मुकाबला खेला गया था पहली पारी में 5 विकेट पेसर्स को मिले थे, 2 विकेट जो है स्पिनर को, वहीं दूसरी पारी में 3 विकेट पेसर्स को, 2 विकेट स्पिनर को, यानी कि कुल 8 विकेट पेसर्स को मिले और 4 विकेट स्पिनर को मिले, यानी कि एक बार फिर से यहाँ पर पेसर्स हावी रहे थे। 3 अगस्त को जो मुकाबला खेला गया था पहली पारी में 6 विकेट पेसर्स को, 1 विकेट स्पिनर को और दूसरी पारी में 4 विकेट पेसर्स को, 6 विकेट स्पिनर को मिले थे, यानी कि 10 विकेट पेसर्स को टोटल और 7 विकेट स्पिनर को मिले थे, यहाँ भी पेसर्स हावी रहे थे। टोटल 4 मुकाबले इस सीरीज के खेले जा चुके हैं, 34 विकेट पेसर्स को मिले हैं और 21 विकेट स्पिनर्स को मिले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पिनर्स विकेट्स तो ले रहे हैं लेकिन पेसर्स ज़्यादा विकेट्स ले रहे हैं। तो अगर आप ऑलराउंडर समेत 7 या फिर 8 भी शामिल कर सकते हो, 8 गेंदबाज लेते हो, तो कम से कम उसमें से 5 या 6 जो है पेसर्स को अपनी टीम में शामिल करो। टीम सेलेक्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर टॉप टीम परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं शेरे बंगला नेशनल स्टेडियम में, तो हेड टू हेड 5 मुकाबले खेले गए हैं इस ग्राउंड पर, 3 बांग्लादेश जीती है, 2 ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती है। टोटल इस ग्राउंड पर जो है 30 टोटल मैच जो है इन दोनों टीमों के बीच 30 खेले जा चुके हैं और 14 जो है ऑस्ट्रेलिया जीती है, सॉरी इस ग्राउंड पर बांग्लादेश ने टोटल 30 मैच खेले हैं, 14 जीती है और ऑस्ट्रेलिया की टीम इस ग्राउंड पर 8 मैच खेली है और 2 मैच जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती है। टोटल हेड टू हेड मुकाबलों की बात की जाए तो 8 मैच खेले जा चुके हैं दोनों टीमों के बीच, 3 जो है बांग्लादेश की टीम जीती है, 5 ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती है, सॉरी यहाँ पर 9 मुकाबले हो चुके हैं, 4 जो है बांग्लादेश की टीम जीती है और 5 ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती है। लास्ट 5 हेड टू हेड मुकाबलों का ओवरव्यू आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। लास्ट 7 हेड टू हेड मुकाबलों में 4 ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती है, 3 जो है बांग्लादेश की टीम जीती हुई है।
यहाँ पर रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश की टीम पिछले 5 मुकाबलों में 4 जीती है, सिर्फ एक मैच हारी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम पिछले 5 मुकाबलों में सिर्फ एक मैच जीती है, 4 मैच हारी है। तो बांग्लादेश की टीम का फॉर्म बहुत ही अच्छा रहा। रिसेंट फॉर्म बांग्लादेश का हम देख लेते हैं। आखिरी मुकाबला 7/8/2021 को खेला गया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बांग्लादेश पहले बैटिंग करते हुए हार गई थी मुकाबला। 6/8/2021 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश मुकाबला जीत गई थी। 4/8/2021 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले दूसरी पारी में बैटिंग करते हुए बांग्लादेश की टीम जीती थी। वहीं 3/8/2021 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम जीती थी। 25/7/2021 को जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते हुए बांग्लादेश की टीम जीती थी। रिसेंट फॉर्म देखा जाए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का, तो आप देख सकते हैं कि 6/8/2021 को बांग्लादेश के खिलाफ ये लोग जीते थे सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते हुए। 4/8/2021 को बांग्लादेश के खिलाफ सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते हुए हार गए थे। उससे पहले जो मुकाबला खेला गया था 3 को खेला गया था, या शायद हाँ ये 4 को खेला गया था, तो ये मुकाबला भी हार गए थे। एक और मुकाबला जो पहला खेला गया था 3/3 को खेला गया था, वो मुकाबला भी ये दूसरी पारी में बैटिंग करते हुए हार गए थे। 16/7/2021 को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी ये हार कर आ रहे हैं। यानी कि लगातार 4 मुकाबले हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम को आखिरी मुकाबले में जीत मिली थी। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में मुझे कुछ खास बदलाव होने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। ये जो आपको स्क्रीन पर प्लेइंग 11 दिख रही है, इसी कॉम्बिनेशन के साथ जो है दोनों टीमें उतर सकती है। टीम फॉर्म की बात की जाए तो नईम ठीक ठाक फॉर्म में है। वैसे 30-9-1-28 का स्कोर इन्होंने किया है, लेकिन फिर भी मैं इसे एक बढ़िया फॉर्म कहूँगा। ये जो स्कोर इन्होंने किया है इसे मैं एक अच्छा फॉर्म इसलिए कहूँगा क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाजों का बिल्कुल भी बोलबाला नहीं रहा है। इस सीरीज के दौरान गेंदबाज ही हावी रहे हैं। सौम्य सरकार का फॉर्म बहुत ही ज़्यादा बेकार है, 2-0-2-8 का स्कोर कर पाए। साकिब अल हसन बहुत ही डिमांडिंग प्लेयर रहे हैं इस टूर्नामेंट के दौरान, 36 1 विकेट 26 1 विकेट 26 1 विकेट और आखिरी मुकाबले में 15 का स्कोर किया था। बहुत ही ज़बरदस्त इनका परफॉर्मेंस रहा है। मोहम्मदुल्ला 20-0-52-0 और इस पैटर्न पर देखें तो यहाँ पर ये स्कोर कर सकते हैं। नूरुल हसन जो है 3-2-11-0, इनका फॉर्म भी कुछ खास नहीं रहा है। आफिफ हुसैन की बात की जाए तो इनका फॉर्म ठीक रहा है, कंसिस्टेंट दिखें, 23-37-19-20 का स्कोर किया है। हुसनैन का फॉर्म बहुत ही बेकार है बल्लेबाजी में। मेहंदी हसन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट और आखिरी मुकाबले में इन्हें 2 विकेट मिला था। मुस्तफिजुर रहमान काफ़ी लंबे समय से अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं 2-3 और 2 विकेट यानी कि टोटल 7 विकेट ले चुके हैं इस सीरीज के दौरान। काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं बांग्लादेश के खिलाड़ी, चाहे बल्लेबाज हो या फिर गेंदबाज। अहमद की बात की जाए तो आप देख सकते हैं नसूम अहमद 4-0-1-1 विकेट ले चुके हैं और शरीफुल इस्लाम 2-2-2-1 विकेट ले चुके हैं। हर मैच में 2-2 विकेट ले रहे थे, आखिरी मुकाबले में 1 विकेट इन्हें मिला था। ज़्यादा गेंदबाजी नहीं कराई गई थी इनसे, इसीलिए 1 विकेट मिला था। अब बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों का फॉर्म बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक रहा है इस टूर्नामेंट के दौरान, इस सीरीज के दौरान। देख सकते हैं बेन मैकडॉर्मंड 35-5 किए हैं, ठीक है। उसके अलावा मैथ्यू वेट 13-4-1-2, पिछले 3 मुकाबलों से डबल डिजिट भी क्रॉस नहीं कर पाए हैं। मैथ्यू वेट का इतना ख़राब फॉर्म मैं पहली बार देख रहा हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस मैच में ये वापसी कर सकते हैं। डैनियल क्रिश्चियन को आखिरी मुकाबले में प्रमोट किया गया था, शानदार 5 छक्के की ओवर में लगाए थे साकिब अल हसन के, और ये खिलाड़ी ऐसा ही खेलता है, मतलब ज़बरदस्त। और इस मैच में ये ऊपर आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो आप फैंटेसी टीम में इनको स्किप कर सकते हो इस मुकाबले के लिए। ये नहीं कि आखिरी मुकाबले में 5 छक्के मार दिए थे तो इस मैच में भी इनको हम टीम में पिक कर लें, हो सकता है इन्हें नीचे ड्रॉप कर दिया जाए। मिचेल मार्श बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, 45-45-51-11 का स्कोर इन्होंने किया है, साथ ही साथ ये विकेट्स भी ले सकते हैं, तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए एक बेहतरीन चॉइस है। अच्छे फॉर्म में अनरी केज का फॉर्म बहुत ही बुरा रहा है, एलेक्स कैरी का भी फॉर्म बहुत ही ज़्यादा बुरा रहा है। एस्टन टर्नर को आखिरी मुकाबले में मौका मिला था, कुछ नहीं कर पाए। एस्टन अगर 1 विकेट लिए थे आखिरी मुकाबले में, इनका भी फॉर्म इस टूर्नामेंट के दौरान कुछ खास नहीं रहा है। गेंदबाजी में एंड्रो टाई ठीक ठाक फॉर्म में दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं 1-1 और 3 विकेट इन्होंने लिया है आखिरी मुकाबले में, 3 विकेट इनको मिला था। स्वेपसन को आखिरी मुकाबले में मौका मिला था, 3 विकेट इन्होंने लिया था। उसके अलावा जॉस हेजलवुड लगातार कंसिस्टेंसी के साथ जो है परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यही एक खिलाड़ी है जो कि कंसिस्टेंसी के साथ जो है प्रदर्शन कर रहा है गेंदबाजों में भी बल्लेबाजी में। मिचेल मार्श अच्छा खेल रहे हैं।
उसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ स्टैट्स की, तो 7 मैचों में 246 रन बना चुके हैं साकिब अल हसन। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, 8 विकेट भी लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। मेहंदी हसन का रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा, 4 पारियों में 4 विकेट इन्होंने लिया हुआ है। मुस्तफिजुर रहमान 5 पारियों में 9 विकेट लिए हैं, आप देख सकते हैं। वहीं शरीफुल इस्लाम 4 पारियों में 7 विकेट इन्होंने लिया हुआ है। मोहम्मदुल्लाह का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, 7 पारियों में 129 रन ही बना पाए हैं। मिचेल मास का आप देख सकते हैं 5 पारियों में 158 रन बनाए, अच्छे फॉर्म में है। अनरिकेज 4 पारियों में सिर्फ 37 रन बांग्लादेश के खिलाफ बना पाए हैं, सिर्फ 12 का एवरेज है इनका। उसके अलावा जॉस हेजलवुड बहुत अच्छे फॉर्म में है, एक तो ऊपर से इनका रिकॉर्ड बांग्लादेश के खिलाफ काफ़ी अच्छा है, 4 पारियों में 8 विकेट। एंड्रयू टाई 4 पारियों में 5 विकेट ले चुके हैं। आइए अब देखते हैं कि किन किन खिलाड़ियों को हमने अपनी फैंटेसी टीम में शामिल किया हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे फैंटेसी टीम मैंने बना लिया है, ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, फाइनल अपडेटेड टीम हमेशा एक तरह टेलीग्राम पर आएगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, टॉस के बाद फाइनल अपडेटेड टीम दूंगा। साथ ही साथ द 100 के लिए बहुत ही बेहतरीन टीमें आजकल मैं दे रहा हूँ, जिसका इस्तेमाल करते हुए आप बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हो, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे तभी आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। वेट को एज ए विकेट कीपर लिया है, मोहम्मदुल्लाह नैम और बेन मकडरमंड को एज ए बैट्समैन। 3 बल्लेबाजों के साथ हम जा रहे हैं, आप चाहो तो 2 बल्लेबाजों के साथ जा सकते हो, मोहम्मदुल्लाह को स्किप कर सकते हो चाहो तो। उसके अलावा मेहंदी हसन, साकिब अल हसन और मिचेल मास, ये 3 जो है ऑलराउंडर्स के साथ हम जा रहे हैं। शरीफुल इस्लाम को मैंने इस मैच में लिया हुआ है, मुस्तफिजुर रहीम और एंड्रयू टाई, उसके अलावा जॉस हेजलवुड के साथ हम जा रहे हैं। आप चाहो तो शरीफुल इस्लाम को इस मैच के लिए स्किप कर सकते हो, इनकी जगह आप ले सकते हो। टर्नर को आप ले सकते हो या फिर एस्टन अगर को भी आप अपनी टीम में शामिल कर सकते हो। आगे फाइनल अपडेटेड टीम तो टेलीग्राम पर ही मैं दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टॉस के बाद डिसाइड होगा कि किसको स्किप करना है किसको नहीं करना है। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीत सकती है। देखो यार, दोनों टीमों का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है इस टूर्नामेंट के दौरान, बल्लेबाजी बहुत ही बेकार रही है, या फिर यूं कहें तो गेंदबाजी दोनों टीमों की तरफ से ज़बरदस्त हुई है, लो स्कोरिंग मैच हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा सफलता चाहे जैसे भी मिली हो बांग्लादेश की टीम को मिली है, सीरीज जीत चुके हैं, 3-1 से आगे हैं, ये 5वां मुकाबला है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है ये मुकाबला जीतेगी, क्योंकि ये मान और सम्मान की लड़ाई है इनके लिए, इनके पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, सब कुछ जो है गंवा चुके हैं, सीरीज हार चुके हैं, तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है 5वां और आखिरी T20 मुकाबला जीत सकती है। बाकी आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको भी लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ये मुकाबला जीत सकती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है बांग्लादेश की टीम आखिरी मुकाबला जीतेगी तो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। धन्यवाद।